खड़े होले ओ लाट साहब, सूरज माथे चढ़ लिया तले पड़ने खाटते। अरे खड़े हो जा, जाके टटीर से खात लिया, उस मंजी में पड़ेगा। हड्डियों की ढाल पड़ा रहे दोपहर दिन लो। खड़ा हो जा, नाच गए देख ले तेरे पिताजी कितने छो में गए। अरे गए तो जान दे, मैं क्या करूं, सुबह सुबह तो नींद आवे, तुम सोन भी ना देते। अरे के चाह रहे हो तुम मेरे? हम के चाहते तेरे ते? हम तो नुगे तड़की तड़क उठ कर कुछ काम इल्ला कर लेकर। काम करने को मैं यूं के वो काहे मगज जी, पूरे दिन फिरोजा छींकता हुआ। अरे मैं ले तो आता, मुझे पिताजी के कहीं जाना जाना है तो मैं क्या करूं। और तू एक काम कर ले, तू ले आ खाद जाके, मैं चला जाऊं पिताजी के। ना तू ठीक ना, मुझे जान दे। अच्छा तो हम ठीक ना है, तुम एक काम करो, जाओ ऐसे और सोन दो मुझे। सोवे गए तू और करेगा के? जा चला जा ठीक के मरीज। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई। अच्छा तू मर रही है? अरे तुम चाह के रहे हो मेरे? हम क्या चाहते तेर से, तने सारा कुनबा परेशान कर रखा। मैं क्यों परेशान करता, जब उन्हें मेरे काम ही ना भाते, उन्हें मेरे ना भाते, मुझे उनके ना भाते। और भाभी भी तुझे की जरूरत ही पानी घेरने की? एक तो माँ, एक पिताजी, एक भाई, और भाभी तू भी ऐसी होगी। अभी तेरा भाई तेरे से लड़के गया, जा खड़ा हो जा, जाके खात ले आ मेरा प्यारा सा। चले अपना काम देख, मेरा प्यारा सा दे मेरे, जाके थोड़ी चाय वाय ले आ, ठा के पानी घेर दिया। ले आ खात, खड़े हो जा। ले खात, वो मैं खात जब मर जा खात ले आ। एक काम बतावे सुधरे वो भी ना होता। रहन दो, तू एक काम कर, खात वात तो मैं ले मैं डोरा का देख लिए। तेरे हाथ टूट रहे, तू देख ले जाके। देख लो पिताजी, भी उल्टा बोल रहा। अरे उल्टा तो ना बोलने का, इसका टाइम खराब आ रहा, जा चला जा ढोरों को पानी पिला दे। ढोरों को तो टाइम खराब आ रहा, ऐसे बताते हैं काम, जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे और ना है कोई। जी में तो ऐसी आवे साल, तुझे के घर वालों तो कम है, अभी बताऊ। अरे क्या बात हो रही, इन पे कुछ होता है रात? तेरा ही टाइम आ रहा दिखे। अरे पिताजी देख लो इसे, अरे अरे हटिए हटिए, हम बताऊंगे इसे, इनने हद कर रखी तेरे ससुरे ने, चाला फाड़ रखे इनने। अरे अरे गौरव, के बात है, कहाँ जा रहा है? साले हम तो वैसे परेशान है, तुम तो घर के इनते ही परेशान है, और तुम्हारी खुशकी ले रहा है। मार को रहा मैं खुशकी ना ले रहा तेरी, मार दे बुना तेरी हाथ तानू। और अरे मैं तन्नू घरा तना ठंडा ना प्याज तो कुछ है जी, मैं ठंडी मेरी ना तेरी में तो होंगे। हाँ जितना बड़ा तू सो उगा रहा उतना ही बड़ा मैं हूँ, पर चल देखते हैं आला आला की दुकान पे। चल भाई चल, तू ही तो इसलिए आ रहा मेरा। अरे 30 रुपए तो 12 रुपए हो गए, अरे देर नहीं आया, अरे 52 रुपए हो गए कल रुपए, अरे पता नहीं इस दुकान को चलाऊंगे कि नहीं, अरे मेरे तो गद्दी मट्टा बटा दिया इन्होंने, अरे क्या करूं, अरे आज तो तगड़े को जाना पड़ेगा। अरे सिटाणी, अरे मैंने कहूं तो 2 कप चाय पिलवा देती, एक महीना काम चल रो, अरे मगर कहाँ रहेगी। लाला जी राम राम। राम राम भाई, राम राम, आ जाओ के लोगे भाई। लाला जी लेते के आगे तेरे दर्शन करने, घने दिन हो गए थे हमें तो मिलो। अरे दर्शन प्रसन्न तो होते रहेंगे,
जल्दी बोल, मुझे और भी बहुत काम है। लाला जी न्यू तो हमें पता था ना काम बहुत है, पर तुम न्यू बताओ परिवार में सब ठीक तो है? अरे ये दुकान कैसे चल रही है थारी? अरे घर परिवार भी बढ़िया और दुकान भी ठीक चल रही। और तुम बताओ भाई क्या लोगे? लाला जी लेते के एक ठंडा दे दो। अरे लो भाई। अरे कहाँ जा रही भाई? 90 रुपए की 90 रुपए दे जो। लाला खाते में लिख लिए। अरे तेरा कौन सा खाता है भाई? लाला जी खाता ना है तो कल दे दूंगा। भाई पहले पैसे दे, मैंने उधार देना बंद कर दिया। लाला जी हमारी जुबान पे विश्वास ना है? अरे मुझे के तेरी तो जुबान पे किसी को भी भरोसा ना भाई। लाला हमें हल्के में ले रहा दिखे, पूरे गांव को पता हमारी जुबान कैसी। भाई थारी जुबान कैसी हो? मन्ना लड़ाई झगड़े दिए छोड़ और उधार देना कर दिया बंद। लाला तेरी दुकान पर जब चढ़ेंगे, जब हमारी जेब में पैसा आओगे, इस बात को ध्यान रखिए, तने हमें ठंडा ना दिया। फ्री में पिया तू, हराम का माल है। गौरव भाई ठंडा था जरूर पीना, पर करे तो करे के। चल तू मेरी गैल चल। अरे ओए ओए कबाड़ी, अरे सुनिए, अरे कैसे लिया लो या? 60 रुपया किलो। अरे यू देखे क्या रुपया की है? 80 रुपया की भाई। अरे 80 ना है तो मैं 90 रुपया दे दे इसके। भाई 90 की है ना यो, वैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ का। अरे 90 रुपया देख रहे तू यू? 150 रुपये की आयो। इतना ही वजन है बस यहाँ में, वो तो मैं 90 दे रहा हूँ यहाँ का। तुझे पता है सारे के साथ रहता मारवा सो दे। ले भाई तू 100 रुपये ले बस यार। गुरु भाई आ तो मजा सा आ गया, आ तो ठंडा ही पीवेंगे। अरे ओए लाला पकड़ पैसे और ठंडा दे। अरे भाई पैसे क्यों फेंको, हाथ में दे देते। लाला मैंने कही नहीं तेरे से, जब लोग भाई जेब में पैसे ना आने के ना, हम तेरी दुकान पर न चढ़ने के। पर लाला तन्ने हमारी कदर कहाँ जानी। अरे भाई नो क्यों कर गए तू, दुकान थारी ना। रहने दे लाला, क्यों मक्खन लग रहा, ला ठंडा दे जान दे मैं। अरे लो भाई नो के मैं नटू, अरे थारी अपनी तो दुकान है। गौरव तू पकड़ मैं मारू। तू कहाँ जा रहा है? मैं आ रहा हूँ तू घेर में मिलिए। गौरव भाई अगर इस ठंडे गैल थोड़ी सी नमकीन होती तो कितना मजा आता। मारूंगा सारे के दड़ा के पीले से, पता नहीं इसके कैसे कैसे जुगाड़ हुआ। अच्छा ठंडा चल रहा, कहाँ तक आए ये पैसे? कहाँ तक आते, यू लाया इस मारे पी रहा हूँ। अरे तन्ने कुछ बेच बाच तो ना दिया घर का सामान? हाँ मैं तो इन्हीं कामों करूँ, अब तो पहले सब कुछ बेच दिया मैंने। अरे जब तुम अपनी औलाद पे विश्वास ना तुम किस पे करोगे? हमें पता हमारी औलाद कितनी बढ़िया। हाँ तुम्हें तो मेरे में ही खोट दिखे, और तो ना करता कोई बुराई। यू पूरा गाँव भी तो है, यू भी तो कर सके मेरी बुराई। मैं गाँव की ठेकेदार ना हूँ, गाँव का तो तू बढ़िया ही है। अरे ताई गाँव का ना तो सबका बढ़िया है, और हीरे की कदर तो जोरी जाने। जैसा जोरी तू है ना ऐसा हीरा ही हुआ है। ओहो ठंडा चल रहा है। फिर तेरे पैसों का चल रहा है? अरे किसी के भी पैसों की पी रहा हो, थोड़ी घनी हमें भी प्या दे इसमें से। हाँ है तो सही हूँ भगत जी तुझे प्याण को। अरे हमें ना पीना, तेरा ठंडा चल खड़ा हो, घास कटवा दे वो। आप कटवा ले मेरे बस की ना है। अरे नाच गए किसी काम को भी कह दे कर करूँ, अरे काम को नट है। करवाओगे तो जी पूरे दिन खाट पे पड़ा रहा, तोड़ जा इस खाट को। अरे हाथी कहाँ है इसकी? अरे कहाँ है हाथी? मुझे क्या पता हाथी का? हमें पता कहाँ है हाथी। तुम कहाँ से लाए हैं हाथी? विलायक साहब बता देगा। कहाँ थी भैया? कहाँ से आई हाथी? नशेद पैदा होगा घर में, चले जा बेटी चोद मेरी आंखों आगे दे, नहीं तो बुरा हो जाएगा बहुत।
अरे ओ ताऊ मेरी कोई गलती ना, तू भी तो गया ली था इसकी। बिल्कुल खून पी के धर दिया ऐसी औलाद से तो बस। तुम कहां से लाए जी आपती? यू सुधरा कुबाड़ी के बेच के आया था, उसी का पीरा ही ठंडा। कबाड़ी को बेचिया? हाँ कबाड़ी को बेचिया था, उसी का पीरा ही ठंडा। अरे सा पानी को बखेर दे, अरे नाली में कहा था जा, यहाँ थोड़ी कहा था। अरे ठीक है इसे नु कहा था वहां नाली में घेर दे, यही खिंडा के चला गया। ए सुनीता। हाँ माँ जी। लाइए झाड़ू दिखे, इसे से घेर दिए, यहाँ खिंडा के चला गया कमीना। हाथ। अरे माँ, अरे क्यों हो गया यू? अरे के कैसा के उस नाश गए को नुका था वहाँ गेर था पानी, यही गेर के चला गया। तेरे भी लगी के कंधे पे धर ले मेरे हाथ, और तू भी धर ले। अहे अमित, अरे अमित कहाँ गए सब के सब? ये पिताजी कहीं ना गए, और के बताऊं माँ क्या चोट लग गई और उसके भी लग गई। उसके किसके? सुनीता के। के हुई आयु, अरे कैसे लगी थारा ये चोट? अजी के बताऊं, उसे खड़ूस को नो कहा था ये पानी वहाँ बखेर दे, वो यही बखेर के चला गया। सुनीता को उठाऊं थी और मेरे भी लग गई चोट और इसके भी लग गई चोट। रही तुम्हारे घर में ऐसा नशेद पैदा हुआ, अब घर का बेड़ा कर रख करके मानेगा? माँ के भी चोट लग गई और सुनीता के भी चोट लग गई, घर का काम कौन करेगा और उनके खेत का भी काम बहुत पड़ा। अरे लाला अब तू एक काम कर, या तो तू चला जा या उस गौरव को भेज दे, अपनी साड़ी को मंगा ले, और जो ना जावे तो उसे न्यू कह दिया खेतों में चला जा, वहां मुंजी लग रही है, और तू चला जाइए फिर। ठीक है पिताजी। अरे तू उनकी टांग तोड़ के लौट रहा खाट पे पापे पा दर गए? अरे वो जुकाम का मरीज मैं की तोड़ता। तू एक काम कर, मेरी ससुराल चला जा और मेरी साली को लिया। अरे तेरी ससुराल है तेरी साली है, जा मत जा मैं तो लगता। अरे घड़ा बिगड़े मत, इसमें बिगड़ने कौन सी बात है, मैं तेरा नौकर हूँ के? मैं ही तेरा नौकर हूँ, ना करता ना जाता ले। अरे क्यों तेरे नाथ रखी, क्यों तेरे शर्म ले आती रही थोड़ी बहुत? तू शर्म सिखाओगा मुझे? शर्म है घर का कुछ ख्याल तो है ना तुझे? हाँ तुझे ख्याल है, तू ही बसा रहा है घर को, मैं घर का नाश कर रहा हूँ। तुझे ना बुद्धि मारी सी भी, तू बुद्धि सिखाओगा? बुद्धि सिखाओगा? अरे तू मेरे से बहस ना करे, जा अपने आप चला जा। तू एक काम कर ले। अरे मैं करता ना, खेत में चले जा, खेत में मुंजी लगे लग रही, कम तो मैं करता काम, खेत का तो कर लिया कर। अरे तब मैं ठाली बैठा हुआ दुश्मन दिखूं के? अरे मैं दुश्मन की बात ना कर रहा, मैं ससुराल जाऊं अपनी। फिर चला जा, रोक रहा हूं मैं तुझे। अरे ससुराल ना जाता तो फिर एक काम कर, खेत में चला जा। खेत में चला जा यार, तुझे एक अद्धा काम कह, कम तक वो तो कर लिया कर। अरे पिताजी चले जाएंगे? तू जागा तू यार, एक तुम्हारा ही बुढ़ा, एक मारी माँ, अरे एक यू मेरे पीछे पड़े रहे। जब तो तुझे टिकट टाइम पे चाह। हाँ तभी टिकट खवा रहे हो मुझे, तुमने ही पाल पोस के इतना बड़ा करा हूं मैं। दोपहर को सो के उठे, लास्ट शर्म ना तेरे बिल्कुल भी। तू तो 4 बजे उठे, बस 30 दिन बहाना चाहिए ससुराल जाने का। ठावे टांग पूछो चलते है ससुराल, साड़ी को लाऊंगे। अरे साड़ी के अलावा ससुराल को ले आ, हम चले जाएंगे यहाँ से, बतेरा बड़ा घर है हमारे, और घेर भी बहाना चाहिए ससुराल का। बच गया, बारिश का मौसम हो रहा था है। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते बेटा, कैसे हो? बढ़िया बेटा बढ़िया। ये कैसे हो गया बेटा, चोट लग गई हो? जी जी, राम राम। कैसी हो दीदी? ये कैसे हो गया? कुछ ना, पानी पड़ा था, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। मुझे उठाने के चक्कर में माजी आई, वे भी गिर गई, उनके भी चोट लग गई। लाली, घर सब ठीक तो है? हाँ मौसी जी, सब बढ़िया। अच्छा, जा तू अंदर चली जा, कपड़े बदल ले। ठीक है। देवर है मेरा, चोर ना है। अरे घर मैं कैसी आऊँ, तू जिम्मेदार है मेरी। अरे भाभी, जब तू ही तो इसकी के जरूरत लाने की। अरे ऐसे हमला है करू काम करवाण खतर। यू ऐसा काम करेगी तुम देखते रह जाओगे। ए लाली, इसे रोटी वोटी दे, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाता फिर रहा है। मैंने खाया रोटी वोटी? अरे लठी बतेरे खा लिए, चल नहीं खाता ना खान दे। सुनीता। हाँ जी। रोटी लिया, भूख लग रही बहुत तेज। अच्छा, चावल खाए जा रहे हैं? देखो भाभी, इनकी जरूरत से ना हम है, पड़ा रहे पूरे दिन घेर में। अरे तड़की था मैं काम करतू टेम आ लिया। अरे एक आधी रोटी खा लेना ना, भूख लग रही। और मंगा ले, खत्म हो गई रोटी। तू नहीं ला सकता? अरे तेरी बीवानी खड़ी है, मंगा ले, मैं तो लाता जाके। अरे तन्ने क्यों हद कर रखी, तेरे बिल्कुल क्यों शर्म नहीं रही यार। चले अपना काम देख। खा लेने दो बालक है, क्यों तुम इसके पीछे पड़े रहो, तुम्हारे लिए और ले आऊंगी मैं। खा खोलिया मैंने तो तन्ने सिर पे चढ़ा रहा, खाओ ना। तेरे तो आगे खा रहा हूं मैं, खाता रहा पूरे दिन रोटी। तेरा बड़ा भाई है, ऐसा ना कह करते। ऐसा हो बड़ा भाई, मैंने एक टुकड़ा के ले लिया, इसका जील कट गया। चल मैं ना बढ़ती थारे बीच में। हाँ तू क्यों बढ़ेगी, तू भी ऐसी, तू ही के कम है। माँ जी को, पिताजी को, अपने जीजा जी को दे दी चाय? हाँ जी दे दी मैंने सब कुछ चाय। और गौरव को? मुझे नहीं पता दीदी कहाँ गया। ऐसी आफत है यो हमारे घर में, इनने पूरा घर दुखी कर रखा, तू इससे बच के रही है। दीदी जिस दिन मेरे पल्ले पड़ गया ना, वो उसे ठीक कर दूंगी। तू उसे क्या ठीक करेगी, वो तुझे ही ठीक कर देगा, पूरा खड़ूस है वो। दीदी देखो मैं आपसे क्या सुनना चाहती। गौरव खड़ा हो जा, उन दोनों की रोटी दे खेत में। मैं ना जा रहा, अपने आप यही आग खा लेंगे। अरे कुछ सुन भी ले कर, तू सारे काम को नट्टा बेटा, सारे काम को नहीं नट्टा करते, एक आधा काम कर भी लिया करे। और चाय ना बनाई हमें? चाय भी ना, और उन्हें रोटी भिजवा रही है।
लाश को आराम से ना रख सको थे। तू चार दिन को आई है ना, बस अपने काम से काम रख ले। ला दे रघु, आराम से लेकर जाना, कभी बिखेर दो। अरे गौरव कहाँ जा रहा? अरे कहाँ के जाता, पिताजी की रोटी देगा हूँ खेत पे। रोटी? रोटी ले रहा? अरे रोटी छाई है इसमें। अरे खोल दे ना टिफिन, चाय तो बहुत बड़ी चीज है, आ जा। अरे पिताजी हर बात देखेंगे पर छोड़ उन्हें। राज के बात है, खेत में रोटी क्यों ना भिजवाई? अजी तुम कैसी बात कर रहे, गौरव लेके गया खेत में रोटी? वो मिला था मैं खेत में बुजान को रोटी, भूखे मार दिया मैं। हमने तो टाइम से पहुंचाई थी रोटी जीजा जी। लाली तुमने तो टाइम पे भिजवा दी, पर उस दूसरे को तो टाइम ना है, वो तो फिरोजा गलियों में धक्के खाता। मौसा जी गौरव ऐसे क्यों है? ए लाली के बताऊं, इसने सिर पे चढ़ा रखा ना, वो तो एक दिन में ठीक हो जावे। अजी बालक है, ब्याह हो जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी, सब सुधर जाएगा। अभी उसकी खेलने खानने की उम्र है। अगर उसके यही हालात रहे ना तो उसका तो हालिया ब्याह। और वो है कहाँ? चल तू यहाँ पड़ा रहे सारा दिन, काम वाम कर लिया कर, थोड़ा घर की नजर में अच्छा बनेगा, घर वालों को थोड़ा अच्छा भी लगे। अपने आप कर ले, छेड़े मत मुझे। एक में कह रही है, एक आधा काम तो घर वालों को करवा ही दिया कर। तुझे एक बार समझ में आती है? काम करना बस की ना, ठावे से मुंह को चलता है घेर की ओर को, अपने आप तो हो ही हो, दूसरे को और परेशान कर रहे हैं। ये अच्छी आप बताइए यहाँ पे। अगर तुम ऐसे ही काम करने लगो तो तुम्हें सब घर में अच्छा ना बताएं। अच्छा अच्छा बनने को है तो सही हूँ, नजले का मरीज तेरा जीजा, उसे ही अच्छा बना लिए। क्यों हो? ऐसा क्यों हूँ? तू केले मेरे से, चल अपना काम देख। अरे गौरव ये खेत में दे अपने बापू की रोटी। मैं ना जा रहा, यू दे आओगी इसके पैर टूट रहे, फिर जा पूरे दिन घर में ठहर ली। ठीक है मौसी जी, मैं ही दे आऊंगी। ना बेटी, तुम्हारे घर की मेहमान है, तो बाहर जाती हुई ठीक ना लगती। मेहमान एक या दो दिन का होकर है, दस दस दिन के मेहमान हो, यहाँ ये टिकट पाड़ने। हाँ बेटी तू ये दिया खेत में रोटी, ये तो ज्यादा ही खड़ूस है, ये तो किसी के काम को सुनता ही नहीं। ठीक है मौसी जी। मौसा जी गौरव ऐसा क्यों है जो किसी की सुनता ही ना? बेटी पायल तुझे के बताऊं, यू ज्यादा लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। जब यू छोटा था ना इसका हटिल्लापन अच्छा लगा था, और यू बड़ा हो के भी ऐसा ही है, आदत बन गई इसकी। हाँ मौसा जी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँ। और वो आज है कहाँ? होता कहाँ, फिर रहा होगा उस माड़क से नाके की गैल। अरे गंडा से खेत में कहाँ घूम रहा? तो एक के खेत में ले चलो उस्ताद। अरे सामान बड़ा बढ़िया है तो भाई आज। ले चलो इसे एक के खेत में। अरे मैं तो नू कह रहा दिन में ही चांद निकल रो। अरे कहाँ भाग रही? अरे आज आज तो। अरे सुनिए ओए, बदमाश हो रहे हो, ढूंढिया छेड़ रहे हो गांव में, सारे क्यों थारे शर्म लिहाज न रही आँखों में? तू शर्म सिखाओगा मैं? अरे शर्म तो मैं ही सिखाऊंगा तुम्हें, पर छेड़ने से पहले यू तो देख लो है कौन यू। क्यों रिश्तेदार है तेरी या? हाँ रिश्तेदार तो मेरी है यू, पर थारी तो बहन है। साढ़े थारे दिन से यो तो कान पकड़े गलती मान लो, थारी जान बच जाएगी। जना माना तो मैं मनू थारे पे। तू मनवाएगा मैं? अरे चले भाग ले। अरे कहाँ जा रहे हो छेड़ो ना से अपनी बहन को, बन लिया बदमाश, बस इतने योद्धा है तुम हमेशा ही लोफर गर्दी करती की फिरो।
मैंने तेरी जान बचाई है और तू मुझे लोफर बता रही है। तू तो गलती होगी दिखे, तू तो जान के छिड़ी है, मैं तो बेचारे खाम खाई पिट गई। चल मुझे घर लेकर चल। अपने आप चली जा, पैर न दिए भगवान ने तेरे, मुझे कहीं और जाना। मौसा जी से कह दूंगी रास्ते में मिला मुझे लेके ना जाए। इसमें मौसा जी कौन सी बात है, चल बैठ। चल घेर में को चला जा, बसों को पानी पियाया। मेरे बस की ना है, अपने आप चलो जाके। अभी घर में आके बढ़ाऊ, अभी काम बता दिया। मौसी जी आप इन्हें रहने दो, मैं पानी पी ले जाती। ना लाली तू रहन दे, पानी तो यू ही पियाया होगा, तू तो घर का बहुत काम करे। पानी पिया, इन पर घर के काम ना निमटते। पायल दिया ही रोटी। हाँ दीदी दे है। पर दीदी क्या बताऊँ आज मैं? क्या हो गया ऐसा? पूछो मत ऐसा क्या हो गया। आज ना रास्ते में दो तीन बदतमीजी लड़के मिल गए और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे। वो तो भला और टाइम पे गौरव आ गया, पता नहीं क्या होता। अच्छा पायल, गौरव वैसा बहुत अच्छा लड़का है पर थोड़ा जिद्दी है। अरे माँ, अरे माँ रोटी ले आ, भूख लग रही है। अरे ले आ माँ जल्दी, भूख लग रही है। माँ जी ना है यहाँ पे। अरे भाभी तू ही ले आ। वो दोनों मंदिर गए हैं, रुको मैं ही ले आती हूँ। तू एक काम कर, रोटी रहने दे, चाय ले आ थोड़ी सी। अरे तू सब कुछ छोड़, तू बता कैसा हूँ मैं? मुझे तो तुम अच्छे लगते हो, पर जब तुम्हें घरवाले डांटते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सबका काम है चिल्लाने का, मैं हूँ मनमौजी, मेरे मन में जो आएगा मैं तो वो करूँगा, कोई कुछ भी समझो। फिर तो तुम्हें किसी के दर्द का एहसास ही ना है। मैंने किसे दर्द दे दिया? इंसान जाने अनजाने में बहुत कुछ कर लेता है। मुझे लगे ये तो गई थी। अरे गौरव। हाँ जी। उस बिरजू का पानी चला था, उसका खेत भर लिया, जाके उस पर पैसे लिया। मुझे भूख लग रही है, यू ले आऊंगा जाके। तो रोटी खा के चला जाइए। मुझे टाइम ना, यू ले आऊंगा, उठा लेना पड़ा रे। टाइम को ना तेरे मील चल रहे, नुई धक्के खाता फिर गलियों में। अच्छा हम धक्के खा रहे, तेरे मील चल रहे, जमे ना था। अच्छा रे मुजोरी करे, छोटे बड़े की शर्म लिहाज ही न रही। एक आध दुकान बताओ उसको भी खड़े न हटे, चले जाते तेरे दिन चौखे तो। अजी के कर रहे तुम यू हैं? अरे सारा मीनी रे रे जवान बालक पे हाथ ठाओ तुम। रहने दे बम्बो, तेरा ही बिगाड़े हो आयो। पिताजी ऐसे कैसे काम चलेगा? कहते तो वो खाने को आवे, अर्थी के मेरे पे तो बहुत जोर पड़े, जीव तो मुझे कुछ कहो। अरे जोर वोर कुछ ना, सांस ले देख लिए और कोई उलहना लेगा। पिताजी तुम भी एकदम हाथ ठा दो उस पे, जवान हो रहा है वो। अरे भाई नु तो बता मार क्यों रहा? एक तो सारे मारे पैसे ना देता, ऊपर तनु का मार क्यों रहा है? कुछ करू तने? मैं तो पैसे लेकर आ ही रहा था। जान तो मार दूंगा साले ने। अरे मैं ना खा रहा रोटी, रोटी जाके अपने जीजा खवा ले। रोटी खा ले, देख मैंने भी ना खाई। तन्ने भी ना खाई? पर तन्ने क्यों ना खाई?
अरे मैं तो पिटा, मैंने तो न्यू ना खाई, पर तेने क्यों ना खाई? गौरव जब तुझे कोई कुछ कहे ना, देख मेरे पे बहुत जोर पड़े। ओहो, अरे ये तो मेरा रोज का काम है, इतने पिताजी के हाथ के दो चार ना पड़े ना मेरे, मेरा सबरी नाता ना मेरा रोटी पचती, पिताजी बहुत प्यार करे हैं मुझे। अरे हाँ प्यार तो मुझे और भी करे, प्यार माँ भी करे, पिताजी भी करे, भाई भी करे, भाभी भी करे, और मुझे लगे तू भी करती दिखे। प्यार तो मैं तुझे सच में बहुत करूं। तने के देख लिया ऐसा मेरे में? देखने का तो पता नहीं, पर तू मुझे अच्छा बहुत लगे। मेरे चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे तू? मेरे में के देख लिया तने ऐसा? मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। अगर मुझे तुम ना मिले ना तो मैं मर जाऊँ। अरे मरने की जरूरत ना है, प्यार तो मैं भी बहुत करूँ तुझसे, पर मैं कह ना सका कभी। अरे यू के बाद आज तो बाबूजी ने सारा ही काम कर दिया। अजय का इसका ओपरा ओपरा तो ना हो गया? मुझे लगे सुधर गया दिखे। हाँ देवर जी, अगर ऐसे ही काम करो तो सबने बढ़िया ना लगो तुम। मैं तो बस एक कोई अच्छा लगा जाऊं वही बहुत है। देवर जी कौन है वो? मतलब मैं यूं कह रहा हूँ, मैं सभी तो अच्छा लगना चाहिए हूँ, और यू तो मेरा काम है। पायल मुझे भी इतने दिन हो गए इस घर में, पर मैंने यो काम करता ना देखा कभी। अगर तेरी शादी इससे हो जाए तो यो और सुधर जाएगा। पायल तुझे यो पसंद तो है? हाँ जी जी। अरे माँ, अरे भाभी, भैया की और पिताजी की रोटी दे दे, रोटी दे आऊँ जाके। हैं यूके, रोटी दे आऊँ? पायल, हे पायल, इसके क्यों हो गया? अरे माँ तू तो खम्मा खा की बात कर रही है, वैसे तो कहे काम ना करता काम ना करता, अब मैं काम कर रहा हूँ तो यूं कह रही है इसमें क्या हो गया? हाँ इससे पहले कौन सा काम करा था ना? तुम ले आओ जी रोटी। पायल तुम दोनों ही दियाओ बेटा रोटी। सुनीता यू क्या चल रहा, यू कैसा बदल गया? माँ जी ये एक दूसरे को चाहम है। हैं सुनीता ये तो बड़ी खुशी की बात है, घर बैठे ही बहू मिल जाएगी। सुनीता बेटा एक गिलास पानी ला। भैया भैया रोटी खा लो। अमित। हाँ पिताजी। मुझे ऐसा लगा हमारे तो दिन सूच पे आगे दिखा है। सही कह रहे पिताजी तुम, अन्नी यू किसी भैया कह रहा, आ जाओ रोटी खाओगे। अरे रोटी तुम खा ले गौरव, यू एक भी तो बांधना। तुम रोटी खा लो, इसे तो मैं बांध रहा हूँ। अरे तू भी खा लेता ना, मैं बांध दूँ तुम बैठ के खाओ। लपाल टीपन दे हूं। पिताजी दिन बावड़ के दिखे हमारे तो सुधर गया लमड़ा, आ जाओ रोटी खावेंगे। ए ठीक से बांध लिए? नहीं बैठ ले, आ जाओ आ जाओ। रखे खुसर फुसर हो रही दोनों में, कुछ हमें भी बताओगे? खुसर फुसर तो थारे लाल की चल रही, यू बदला कैसे? हाँ सोच तो मैं भी यू ही रहा। ये सारा कमाल पायल का है। हाँ जब सही लड़की घर में आई ना, घर का बिल्कुल स्वर्ग बन गया। सही कह रहे जी तुम, इन दोनों का ब्याह करवा दो। हाँ लाली तू भी बता दे तेरा क्या विचार है। पिताजी जब ये दोनों खुश है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, जैसे तुम चाहो वैसे कर लो। ठीक है मैं समझाने जाऊंगा,
और चौधरी साहब से बात करूंगा। और लाली तू भी फोन पे बात कर लिए? अरे दोनों है कहाँ? घेर में काम कर रहे होंगे कुछ। कहीं की बात चल रही पिताजी? हाँ चल घेर में ही बताऊंगी तुझे भी। घेर में ठीक ठाक तो है सब? हाँ सब ठीक है। अरे हम करवावे ढोरू कुनियार। ना भैया तुम रहन दो, मैं कर रहा हूँ, तुम बैठो। रामित एक काम कर, अब इस लाली को छोड़ दिया। तेरी माँ का पापी ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया और लाली भी ठीक है। चौधरी साहब का फोन आया था, इसे छोड़ दिया। मेरे पास की ना जा रहा करने, पकड़ो अपनी धर्मशाला, अपने आप करते रहियो। अरे मन्ने थारी दोनों के ब्याह की बात कर लिया चौधरी साहब से, अब तो सुधर जा।